नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरी खबर डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण खाद्य विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में। भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आज ही के दिन आउट कर दिए गए हैं। आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आपको बेसिक से लेकर अपर लेवल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार ग्रामीण खाद्य विभाग की तरफ से 500 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं, जहां पे आप सभी के लिए यहां पे इंस्पेक्टर की, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की, असिस्टेंट की और भी कई सारे पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए जा चुके हैं। एजुकेशन की बात करें तो 10वीं प्लस 12वीं और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट, डिग्री वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, आगे कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास अभी तक किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी लोग साल 2022 के अंदर अपने गांव या जिले के ग्रामीण खाद्य भंडार के अंदर नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको पूरी की पूरी वीडियो को देखें, अप्लाई कैसे करना इसके बारे में बताएंगे। 30 अक्टूबर आवेदन करने की आखिरी डेट है, आपको जितना जल्दी हो सके आवेदन कर देने हैं और इसी के साथ आपको जो है तो आवेदन कैसे करना है वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो आज की आपको काम की लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही ग्रामीण विभाग की अपडेट को देखने के लिए, नौकरियों के बारे में जानने के लिए नौकरी खबर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको इस वैकेंसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, ग्रामीण खाद्य विभाग की तरफ से वैकेंसी है, सरकारी नौकरी होने वाली है और इसके अलावा 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको भर्तियों के नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसके अंदर आपको इंस्पेक्टर के, असिस्टेंट के, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ और भी कई सारी वैकेंसी मिलेंगी। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट आसानी से आवेदन कर पाएंगे। 18 से लेकर 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल की जॉब मिलेगी जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म फीस भी बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे आने वाली 30 अक्टूबर 2022 तक। अभी हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना होगा नोटिफिकेशन, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की जॉब है। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य से इस वैकेंसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए, ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भंडार विभाग भर्ती है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन 27/9/2022 यानी कि 27 सितंबर के दिन आउट किया गया है। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, अगर नोटिफिकेशन में कुछ रह जाता है तो देखिए टोल फ्री नंबर इस पे कॉल करके जानकारी लीजिए, दूरभाष नंबर इस पे कॉल करके जानकारी लीजिए। इसके बाद अगर आपको देखना है कि कितनी वैकेंसी है तो देखिए 518 पदों पर ये भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। www.rufss.co.in पे जाके आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या है, क्षैतिज आरक्षण भी है, यानी कि यहां पे आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और ESM कैंडिडेट के लिए वैकेंसियां हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया डिपार्टमेंट का नेम है, कोड है वैकेंसी का और कुल पद हैं। जिला निरीक्षक की पोस्ट है, क्षेत्रीय निरीक्षक की पोस्ट है, ब्लॉक निरीक्षक यानी कि ब्लॉक इंस्पेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर डिपो की वैकेंसी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक निरीक्षक वाली पोस्ट है, इसके लिए 12वीं पास वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए भी 12वीं पास वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी देख लीजिएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। 518 पद हैं टोटल इस वैकेंसी के अंदर। बता देते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जो क्षेत्रीय निरीक्षक की वैकेंसी, इसके लिए स्नातक यानी कि डिग्री चाहिए होगी। जिला निरीक्षक के लिए भी डिग्री चाहिए होगी, लेकिन जो ब्लॉक निरीक्षक यानी कि ब्लॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी, इसके लिए केवल और केवल इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास चाहिए होगा। असिस्टेंट मैनेजर डिपो के लिए भी यहाँ पर डिग्री चाहिए होगी और डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पे कंप्यूटर का
डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि 12वीं पास के साथ डिप्लोमा चाहिए होगा। बात करें वेतन की, तो वेतन सारी पोस्टों का सेम मेंशन किया गया है, 5,200 से 20,200, पर यहाँ पे आपको ग्रेड पे के अंदर थोड़ी सी फ्लैक्चुएसन दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बड़ी पोस्ट है उनके लिए ग्रेड पे ज़्यादा, जो थोड़ी सी छोटी पोस्ट है उसके लिए ग्रेड पे यहाँ पे कम रखा गया, 100-200 का फर्क है, ज़्यादा नहीं। बात करें उम्र के बारे में, तो 1/8/2022 से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अंतर्गत भी आपको छूट मिलेगा, देखिए 5 सालों का छूट मिल रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के उन्हीं को छूट मिलेगा, बाकी अगर आप लोग अदर स्टेट से आवेदन कर रहे हैं तो आपको उम्र में किसी भी तरह की छूट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद बात करें अप्लीकेशन फ़ीस की, यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर कैटेगरी वाइज अप्लीकेशन फ़ीस मेंशन करी गई, जो कि आगे आपको बताएंगे कि अदर स्टेट से होने पर कितना लगेगा, उत्तर प्रदेश से होने पर कितना लगेगा। परीक्षा देखिए आपका जो चयन है वो 2 फेजेस पर होगा, यहाँ पे आपका जो है तो लिखित होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट आपकी बनाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन आप लोग 1/10/2022 यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 30/10/2022 30 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको देखना है कि आपका चयन कैसे होगा तो इस कोष्टक पे देखिए, इस कोष्टक के अंदर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि आपका जो प्री एग्जाम है, उसके बाद यहाँ पे मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम है, उसके बाद आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि 3 चरणों में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया गया है, और इसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी उसके बारे में सी नंबर पॉइंट पे कवर किया गया कि मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम सुनिश्चित किया जाएगा होगा। इट मीन्स कि आखिरी में आपकी मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आपका चयन होगा। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई, इनको आपको चेकआउट करना है। अब बचा है कि आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए www.ruf.co.in पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लिंक कहां से मिलेगा बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई सवाल है, तो यहां पे नंबर्स दिए गए, आप इन पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भंडार की तरफ से वैकेंसी है, ऐसी भर्तियों के लिए आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग जरूर से आवेदन फिल करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रामीण खाद्य विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई भर्ती के बारे में, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया, आउट किया जा चुका है। यहाँ पे देखिए टोटल आपको 518 नंबर और वैकेंसी मिलेंगी, जहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, जो कि शुरू हो चुके हैं। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, आप लोग घर बैठे बैठे निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। बात करें कौन कौन सी वैकेंसियाँ आपको मिल जाएंगी, तो आपको असिस्टेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इंस्पेक्टर की और भी कई सारी यहाँ पे वैकेंसियाँ आपको मिल जाएंगी, जिनके लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब भी मिलेगी, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे और आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए, ताकि आप लोग आवेदन कर सकें। 30 अक्टूबर आवेदन करने की आखिरी डेट है, 10वीं 12वीं पास वाले महिला पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। अगर यहां तक आपको वीडियो आपके काम की लगी हो तो वीडियो को अभी कभी एक लाइक कर दें, और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी कंप्लीट डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको रूरल फूड सप्लाई स्टोर रिक्रूटमेंट 2022 कम्प्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको रूरल फूड सप्लाई स्टोर मिलेगा। पोस्ट नेम की बात करते हैं तो हिंदी में मैंने बता दिया, देखिए इंग्लिश में क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की, रीजनल इंस्पेक्टर की, ब्लॉक इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट मैनेजर डेपोट की और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसियां आपको मिलेंगी, जहां पे टोटल नंबर वैकेंसी 518 हैं और इनके लिए आवेदन 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले हैं।
ऑनलाइन तरीके से आवेदन चलेंगे। इसके बाद बात करें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो 10, 12th और डिग्री वाले कैंडिडेट सभी पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी एज है जो कि 1/8/2022 से गिनी जाएगी, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद आपका सिलेक्शन है जो कि एग्जाम और मेरिट के बेसिस पे होना है। देन बात करें यहाँ पे वेतन के बारे में, तो 5,200 से 20,200 का वेतन है। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे दे दी गई है, आप लोग जब आएंगे यहाँ पे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद कैसे आपको आवेदन करना उसके बारे में जानकारी है। फाइनली यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, सेकेंड टाइम है तो डाउनलोड अगेन का बोलेगा। इसके बाद यहाँ पे किसी भी पीडीएफ रीडर में इसको ओपन करके आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत से ऐसी वीडियो और टॉपिक आपके लिए लाते हैं जो कि ग्रामीण विभाग से रिलेटेड हो, तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए चलते हैं, आज का अपने मेन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।